जावरा के समीपस्थ गांव रिवास में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। देर रात चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया है। घर के परिजन श्यामलाल व उनकी पत्नी व बेटी कमरे में सोए हुए थे, तभी चोरों ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद चोरों ने अनिल के कमरे में रखी अलमारी को तितर बितर कर दिया और सारा सामान टटोला अलमारी में रख और 2 लाख रुपए की डकैती कर डाली। बदमाश चोर इतने पर भी नहीं रुके, पास रखी अलमारी की चाबी के लिए भी अनिल पर लगातार दबाव बनाया। जब अनिल ने चाबी नहीं होने की बात कही तो उसके साथ भी मारपीट की गई। आपको बता दें कि यह पूरी घटना रात्रि करीब 2 बजे की बात की बताई जा रही है। शातिर चोर मुख्य द्वार से ही घर में घुसे। चोर इतने शातिर जरूर थे कि लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी सारी हरकतें गाँव में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस प्रशासन के लिए भी एक ये बड़ी चुनौती बन गई है। लगातार CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। यह पूरी घटना गांव रेवास की नई आबादी क्षेत्र की है। वहीं घर के मालिक श्यामलाल ने बताया कि उनके ईंटे बनाने का काम है, उसी का माल मटेरियल लाने के लिए घर में 2 लाख रुपए रखे हुए थे, जो शातिर चोर उन पर भी हाथ साफ कर गए। चोरी की सूचना पर आए थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया, सरसी चौकी प्रभारी दिनेश राठौर अपने दल बल के साथ पहुंचे और छानबीन शुरू की। आइए सुनते हैं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है सरसी चौकी प्रभारी दिनेश राठौर का। निवास में अनिल प्रजापत के घर में बदमाश घुसे थे, दरवाजा लगा था, अंदर से चुटकुनी लगा के चुटकुनी को उंगली डाल के खोल के अंदर घुसे हैं। अलमारी का लॉक भी खुला था, अलमारी खोल के उसमें से 2 लाख रुपए बदमाश ले गए। अभी गांव में CCTV फुटेज खंगाल है, उसमें 4 संदिग्ध लोग दिख रहे हैं, तलाश करेंगे उसके आधार पर, CCTV और अन्य मुखबिर के आधार पर तलाश करेंगे। नहीं नहीं, वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा पुराना आरोपी है कि क्या है। ये रात को 2:50 की घटना है। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।